फ्रेंड्स, ये सारनाथ में बना हुआ जापानी मंदिर है, जापानीज टेंपल, और यह बिल्कुल रिजेंबल करता है जापानीज टेंपल इन क्योटो। और इसको रन करते हैं इंडो जापान बुद्धिस्ट कल्चरल सोसाइटी के द्वारा, इसको रन किया जाता है। फ्रेंड्स, भगवान बुद्ध को इसमें स्लीपिंग मुद्रा में, लेटी हुई मुद्रा में दिखाया गया है। वुड की, सैंडलवुड की मूर्ति है और गोल्डन कलर में है, बेहद शानदार मूर्ति है। चंदन की लकड़ी से बनाई हुई अंदर बहुत सारी मूर्तियां हैं। और इधर सीधे हाथ को पीपल के वृक्ष को एक बोना रूप देकर उसके नीचे भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाई गई है। प्रीचिंग मुद्रा में प्रवचन देते हुए ये मूर्ति है, जहां पर भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रवचन दिए थे, दीक्षा दी थी। ये उसी समय की मूर्ति है। इसमें भगवान बुद्ध अपने डिसिपल्स को प्रीच कर रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं। ये इस तरह का पोज में ये मूर्ति है, बेहद शानदार। और ये बोनाशाही है पीपल के पेड़ का, दाई तरफ जापानीज मंदिर के। और अब हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं वो मूर्ति जो स्लीपिंग मुद्रा में है भगवान बुद्ध की। ये सैंडलवुड में है और एक एरोमा है सैंडलवुड का अंदर। सभी मूर्तियां अंदर भगवान बुद्ध की, सभी सैंडलवुड में है। भगवान बुद्ध की गोल्डन कलर की मूर्ति बेहद शानदार। सिद्ध पुरुष लोगों का लक्षण क्या होता है कि उनके पांव में दसों उंगली में चक्र था, तरवे में भी चक्र है, और ये हाथ जो देख रहे हैं घुटने के नीचे तक, जिनका हाथ लंबा होता है अजान लंबित बाहू बोलते हैं, और सर में जो बाल है उसी तरह के माथे में भी बाल था, ये तिलक नहीं लगाते थे, उनका बाल था, कान जो है लंबा, ये सब सारी लक्षण जो होता है सिद्ध पुरुष में होता है, इसलिए नाम का सिद्धार्थ। दोनों साइड ड्रम को बजाते हुए मंत्र बोलते हैं, नाम यो हो रेंगे क्यों, जिसे हम लोग बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जापान के लोग इस तरह का मंत्र बोलते हैं, पूजा करते हैं। ये जो गोल्डन कलर देख रहे हैं ये रेडियम और बोलते झाड़ है चंदन की। अंदर जो मूर्ति देख रहे हैं सब बुद्ध का है, चंदन का मूर्ति बना हुआ है। तो अंदर बहुत सारी भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं हैं जो शायद लकड़ी की बनी हुई प्रतीत होती हैं। और ये भगवान जी अपनी अंतिम मुद्रा में यहाँ पर विराजमान हैं, और इनके हाथ हम देख सकते हैं घुटनों से नीचे तक जा रहे हैं, जो कि इनके सिद्ध पुरुष होने को सिद्ध करते हैं। और इनके हाथों और पांवों में दसों उंगलियों में चक्र है, जो कि इनके सिद्ध पुरुष होने की दूसरी निशानी है। तीसरी निशानी है इनके केश, जो कि माथे पर आप बीच में बिंदी देख रहे हैं, वो बिंदी नहीं है बल्कि इनके केश है जो यहाँ पर है, जो कि इनको सिद्ध पुरुष सिद्ध करते हैं। और ये कितनी शांत मुद्रा में यहाँ पर विराजमान है, ऐसा लग रहा है गहन चिंतन में है, लेकिन ये गहन चिंतन में नहीं है, ये अपनी लास्ट मुद्रा में है। भगवान बुद्ध की लास्ट मुद्रा यहाँ पर है, और दोनों तरफ है ये नगाड़े टाइप की कोई चीज, जहाँ पर की जापानी अपनी भाषा में अपना मंत्र बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं बुद्धम शरणं गच्छामि, इसी तरह जापानी भाषा में यहाँ पर मंत्र बोला जाता है। ऊपर जो ये झूमर लगा हुआ है ये गोल्डन कलर में है, और ये महोगनी लकड़ी से, खुशबू वाली लकड़ी जो होती है चंदन की, उससे ये बना हुआ है। तो बहुत शांत वातावरण। पगोड़ा ये क्या है, स्तूप का छोटा, ये स्तूप का छोटा सा स्टेच्यू है, एक स्तूप का मॉडल बनाया गया है, और दूर से ये अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा देखने के लिए इसमें कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहा है, बहुत अट्रैक्टिव है। ये काले पत्थरों से बना हुआ है और इस पर कुछ लिखा हुआ है जापानी में, और वो सामने वो पगोड़ा का छोटा मॉडल। फ्रेंड्स, अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ अशोक चक्र और सारनाथ स्तूप भी।